गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं 13 तारीख है और आज है करवा चौथ का व्रत। जो आज का व्रत है ये सभी सुहागिन है अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत को लेती हैं। तो आज हमारा जो ब्लॉग बना है वो भी इसी पे बन रहा है करवा चौथ पे। वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं दिखाऊंगा कि कैसे मेरी वाइफ ने आज करवा चौथ में क्या क्या किया और कैसे वो चाहत का दीदार होगा और कैसे अपने पति की पूजा की जाएगी। तो मैं आप सब उसको कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए राजू ब्लॉग में। सो गाइस ये है हमारी अर्धांगिनी दीक्षा बोरा। तो ये तुम क्या बना रहे हो दीक्षा? मैं अपन बना रही हूं। अपन? अच्छा इसमें पूजा होगी ना इसमें? हाँ, यहाँ पर अभी पूजा होगी जब चांद आ जाएगा। जब चांद आएगा उसके बाद। और जो ये लाल रंग का तुमने क्या है ना, ये गेरू है ना? गेरू? हाँ, ये गेरू को पानी में भिगा के फिर इसको इससे बनाते हैं ना। तो गाइस ये हमारा मंदिर, ये हमारे कृष्ण के नैया और ये देखिए जो करवा चौथ का यह है प्रसाद। और ये देखिए करवा चौथ की पूरी सामग्री, ये रहे फल, ये फूल हैं, ये पिचियाँ, चंदन, कुमकुम, अक्षत। सो गाइस पूजा की थाल रेडी है, बस चाँद का वेट हो रहा है। चाँद हमें यहाँ पर आएगा लगभग 9 बजे के आसपास और अभी टाइम हो रहा है 8:20। तो चाँद का वेट कर रहे हैं, बाकी सब खाना पूरा बन गया है, बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और यहाँ पर बच्चों का चल रहा है फोटो सेशन। तो बस खाना आज मैं ही बना रहा हूँ क्योंकि मम्मी भी थकी हुई है और दीक्षा भी थकी हुई है। तो ये मेरे छोले तैयार हो रहे हैं और ये मैं पनीर बना रहा हूँ यहाँ पे। और बच्चे यहाँ पे खाना खाने लग गए, इनको लग गई भूख, हम लोग तो बाद में खाएंगे सब पूजा करने के बाद। सो गैस ऑलमोस्ट पूरी तैयारी हो चुकी है और टाइम हो गया है 9:25 और चाँद का अभी भी कुछ पता नहीं है और पेट में लग गई है भूख बहुत तेज की, बस चाँद का वेट कर रहे हैं जल्दी से आ जाए। तो गैस यहाँ पे देखिए साड़ी पूरा श्रृंगार का सामान यहाँ पर है। तो मैं दीक्षा से पूछूंगा ये किसके लिए है? ये मम्मी के लिए। अच्छा ये सास को देती है बहू? हाँ, इसे करवा चौथ में हर सुहागिन अपने सास को ये गिफ्ट देती है। अच्छा अच्छा। सो गाइस अब चाँद थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है पर इसको पूरा निकलने देते हैं, जब चाँद का पूरा दीदार करेंगे तभी करवा चौथ का मजा है। और टाइम अभी हो गया है 10:15 बचे हैं तो पूरा निकलने तक 10 बज जाना है। सो गाइस फाइनली चाँद निकलने वाला है तो एक शेर अर्जी करता हूँ। आज चाँद को देखकर पता चलता है
कि खूबसूरत चीज को पाना कितना मुश्किल है। सो गाइस चांद पूरा निकल चुका है तो अब करते हैं पूजा की तैयारी। और रात के 10 बज गए हैं और ठंडे से मम्मी कैसे बैठी है देखो। और देखो निशु को भी ठंडा हो रहा है, शिम्मी को भी। तो कहाँ बैठ गया था? अरे कहाँ था ज्योति? अभी पूजा हो गई है, प्रसाद वितरित हो रहा है और सब लोग ठंड से कांप रहे हैं। पूर्णिमा के दिन आता है पूरा। हाँ जल्दी भी लो। तो गाइस पूजा पाठ तो हो गई है बढ़िया करके, अब लग गई है भूख और हम लोग खाना खाते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।